is a sound I love to hear. It's the sound of my Savior's robe as he walks into the room. As people pray, where we hear praises, he hears faith. Sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where we hear praises, he hears praise. The sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering. It's time to worship him. So awake, my soul, and sing. Sing his praise out. Sing his praise out loud. Awaken us this morning. Awaken us, oh God. Awake my soul. Awake my soul. Awake my soul. Awake, awake, awake my soul and sing. हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई में करना बहुत ही अद्भुत है और हम जानते हैं कि आत्मिक बातों के लिए शारीरिक सीमाएं मायने नहीं रखती। तो आए हम इस समय आराधना के वातावरण में आराधना का स्वभाव बनाते हुए हम प्रभु की ओर अपने अर्पणों को देंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं। तो आए हम धन्यवाद का एक अर्पण प्रभु के लिए तैयार करें आज की सुबह। तो जितने लोग इमैनुअल कलीसिया के सदस्य हैं वो नीचे दिए हुए वेबसाइट के अनुसार अपने अर्पणों को दे सकते हैं, और बाकी सारे जो इमैनुअल के सदस्य नहीं हैं, दूसरे देशों से देख रहे हैं, आप रिवाइव नेशंस के वेबसाइट पर जाकर अपने अर्पणों को हमारे पास भेज सकते हैं। और इस समय हम अपने हृदयों को तैयार करें ताकि हम उस वचन को प्राप्त कर सकें जो हमारे लिए आ रहा है। हमारे लिए आज का वचन रेमा शब्द जो प्रभु का दास लेकर आता है वो निर्देशों से भरा होगा जो हमारे लिए इस मौसम के लिए, इस समय के लिए ज़रूरी है। और प्रभु हमेशा उसके वचन को हमारे पास एक आवाज़ के ज़रिए लेकर आता है, वो वचन जो स्वर्ग से मुक्त किया गया है। और आज के दिन वो आवाज़ हमारे लिए प्रभु के दास मेरे आत्मिक पिता पास्टर शाइजू मैथ्यू हैं। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आज के दिन इस ऑनलाइन कलीसिया के लिए। संसार भर में हमारे रिवाइव नेशंस की जितनी कलीसियाएं हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी सहभागी हैं, हमारे जितने भी मित्रगण हैं, हमारे भाई और बहन संसार भर से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरा नाम शाइजू है। हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि आज के इस अद्भुत सुबह आप हमारे साथ जुड़ सके हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको महान रीति से आशीषित करेंगे और आपकी आत्मा जो है एक नई रीति से जागृत की जाएगी ताकि आप एक नए लगन के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर सके, उसकी आराधना कर सके। आज के दिन मैं विशेष समय लेना चाहता हूँ हमारी माताओं का धन्यवाद करने के लिए, और मैं सर्वप्रथम मेरी आत्मिक माता प्रॉफिट रूथ माकंडीवा का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वे मेरे लिए कितनी बड़ी आशीष हैं और बहुत ही आनंद का स्रोत हैं, और महान रीति से परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो ममा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे लिए। और इसी के साथ मैं हमारे बच्चों की माँ मेरी पत्नी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मम्मा टिनी के लिए, कि वो संसार भर में हमारी जितनी बच्चे हैं, आत्मिक बच्चे हैं, सभी के लिए एक उत्तम आत्मिक माता है। हम आपका आदर करते हैं और आप शारीरिक और आत्मिक रीति से दोनों ही तरह से एक महान माता है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी अपनी माँ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे परमेश्वर के वचन में बढ़ा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे परमेश्वर के वचन को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमसे इतना प्रेम किया और अब भी आप आपके प्रार्थनाओं में हमें एक तरीके से ढांप लेती हैं। मेरी माता जो है एक प्रार्थना की योद्धा है। मैं सारी माताओं का धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को किस अद्भुत रीति से संभालती हैं, और सारी माताएं जो हमारे कलीसिया में हैं, मैं आप सभी को सराहता हूँ। आप सभी हमारे लिए बहुत बड़े आशीष का कारण हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक माँ जब अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, उसके समान और कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। एक माँ और उसके बच्चे के बीच का रिश्ता, उनका जुड़ाव एक अद्भुत रिश्ता है, और उस सामर्थ्य के साथ वो प्रार्थना करती हैं। जब वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हैं, पुकारती हैं, वो बहुत गहराई की प्रार्थना है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब कभी मम्मा टिनी किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लेती हैं और उसका उत्तर प्रभु इतनी जल्दी देते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है, मैं कहता हूँ उनसे कि शायद परमेश्वर तुमसे जो है मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि एक माता की पुकार है जो किसी और चीज़ के साथ तोली नहीं जा सकती। इसीलिए जितनी माताएं हमारे कलीसिया में हैं और जितनी माताएं आज हमें देख रही हैं ऑनलाइन, आप सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आपके सारे बलिदानों के लिए धन्यवाद, आप जितनी मेहनत करती हैं उसके लिए, आपके सारे धीरज के लिए आपका धन्यवाद। और कभी कभी आपके पति जो है वो भी बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, तो आपको एक और बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो कभी कभी आप एक साथ करती हैं, और ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिनमें लोग आपके जो है काम को सराहते नहीं। तो आज के इस दिन हम आपके सभी कामों के लिए, आपके सारे बलिदानों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को बहुत बल दे, आपको और सामर्थ्य प्रदान करे, आप सभी को और भी बड़ी आशीष वो बनाए। मुझे बताया गया है कि पिछले बुधवार की जो सभा हुई उससे कई लोग आशीषित हुए हैं, और वो बातें जो परमेश्वर के उन दो दासों के बीच में हुई, उनके द्वारा कई लोगों ने महान रीति से जो है आशीषित हुए हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं उन पासबानों का भी धन्यवाद करता हूं जो इतना उत्तम भोजन उन लोगों के लिए लेकर आए थे जो भूखे थे और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे थे। वो दोनों जिस रीति से काम कर रहे हैं उस बात पर हमें बहुत गर्व है, और हम आने वाले बुधवार भी आपके साथ जुड़ेंगे, और जिस रीति से पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है उस अनुसार हम चलते रहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन किसी बातों में प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे वो आपके बल के लिए होगा। तो याद रखिए, बुधवार की सभा में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मैं जानता हूं कि सभी लोग अलग अलग समय क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, सभी के लिए वो समय शायद आरामदेह नहीं है, पर मैं सराहता हूं आपके बलिदानों के लिए कि आप अलग अलग समयों से हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर प्रभु की मर्ज़ी रही तो मैं उसी विषय पर आगे बातें करना चाहूँगा जो कुछ हफ्ते पहले हमने शुरू की थी। हमने आत्मिक युद्धों के विषय में बातें की थी उस समय, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमें अनुग्रह देंगे कि हम उस बातचीत को पूरा कर सकें। आज की सुबह मैं मेरी आत्मा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि एक सभा से पहले मुझे बार बार निरंतर प्रभु के दर्शन हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थी, और इसी कारण मैं जानता हूँ कि ये जो शिक्षणों की श्रृंखला हमने शुरू की है ये प्रभु के हृदय के बहुत करीब है। विशेष रीति से हम जिस दिशा में पिछले हफ्ते से जा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप पिछले हफ्ते के जो वीडियोस हैं उसे ज़रूर देखें और उन्हें आप चूकें नहीं। हमें गवाहियाँ मिलती रही हैं कि किस प्रकार उन वीडियोस को देखते हुए लोगों के जीवन में छुटकारे का काम हुआ। कई लोगों ने जो है वीडियोस को देखते हुए जो जादू टोने के काम किए गए थे वो उनके शरीर से एक उल्टी के समान बाहर निकल गए। कई लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन किया, और कई लोग अपने घर के ज़मीन पर गिर गए थे, वो रोते हुए प्रभु की आराधना कर रहे थे। और उस दिन एक ऐसी गहराई की बातों की शुरुआत हुई जो मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह भी हमारे बीच जारी रहेगी। मेरी प्रार्थना है कि ये वीडियो आप तक जब आ रहा है तो आप तैयार हैं, आपका हृदय एक शांत जगह में है, ताकि आप इन बातों को जो प्रभु आपकी ओर भेज रहा है उन्हें पा सकें। ये जो वचन है मैं इसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में आपको नहीं देना चाहता, लेकिन जब कभी मुझे ऐसा महसूस हो गया कि काम पूरा हो गया है मैं रुक जाऊंगा, फिर वो 15 मिनट की बात हो या 2 घंटे की। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप तैयार हों एक सफ़र पर प्रभु के साथ जाने के लिए। मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से देखना मिलना जो है उसकी कमी महसूस करता हूँ। साथ ही मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि ये संदेश, ये वीडियोस जो है आपको सिखा रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं, आपको सुरक्षित रख रहे हैं, और आपको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में आपकी अगुवाई कर रहे हैं। देखिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जो इस बात के आदी हो गए थे कि पासबान उनके जो है व्यक्तिगत रीति से सामने सामने बैठकर उनसे बातें करें। लेकिन देखिए, जो लोग अपने परमेश्वर के दास के साथ या अपने पासबान, अपने अगुए के साथ व्यक्तिगत रीति से या शारीरिक रीति से सामने सामने जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। देखिए, वे लोग ऐसे हैं जो भले ही उनकी जड़ों पर कोई सीधा सीधा पानी नहीं डाल रहा है, मगर उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया है, सिखाया है कि किस तरह उनकी जड़ें गहरी जाएं और वो अपने पोषण को पाएं। अब वो इस बात के मोहताज नहीं है या इस बात के आदी नहीं है या इसी बात पर निर्भर नहीं कि उनके पासबान उनके घर आए या उनको व्यक्तिगत रीति से सिखाएं। वो इस बात पर भी निर्भर नहीं है कि कौन उन्हें फ़ोन करता है या नहीं करता है। वे सिर्फ प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर हैं। कौन उनसे प्रेम करता है, कौन उनका तिरस्कार कर रहा है, इन बातों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोया गया है और वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर कौन है। उनका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं है, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। और वही लोग भले ही मौसम हो ना हो कभी सूखे नहीं होंगे, उनके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे, वे निरंतर फल लेकर आएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप वो लोग हैं और आपकी जड़ें गहरी गई हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी जड़ें और मजबूत होंगी, यहाँ से और भी मजबूत होंगी। कोविड-19 के संदर्भ में कुछ वीडियोस हैं जो लगातार हम तक पहुंच रही हैं, और उनमें से एक वीडियो जो है मैंने मेरे ट्विटर के ज़रिए भी आपके साथ शेयर की थी, बांटी थी। मैं नहीं जानता कि वो वीडियो अभी तक जो है उपलब्ध है या नहीं, पर कई वीडियोस जो है कुछ डॉक्टर्स को ने जो बनाई हैं उनको निकाल दिया जा रहा है। वो वीडियो कुछ इटालियन डॉक्टर्स के थे कि किस तरह वे लोग जो है कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे वो क्लोरोक्विन नाम की दवाई का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके कारण उन्हें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा था लोगों के सेहत में, और ये भी बताया कुछ जगहों पर कि उस दवाई को इस्तेमाल करने में रोक लगा दी गई है। ये डॉक्टर हमें बता रहे थे कि किस तरह हमारे शरीर का जो है रक्षा प्रणाली काम करती है। वो कह रहे थे कि किस तरह हमारा शरीर जो है इन बीमारियों से लड़ता है। वो कहते हैं कि हमारा शरीर जो है, शरीर की रक्षा प्रणाली जो है, जब उसे इन बीमारियों से जो है लड़ने का मौका मिलता है तो वो और मजबूत होते हैं, और जब तक हम अपने आप को इनसे बचाते रहेंगे, छुपाते रहेंगे, हम कमज़ोर ही रहेंगे, हम उससे लड़ना सीखेंगे नहीं। और वो कह रहे थे कि ये जो लॉकडाउन का समय है एक रीति से हमारे शरीर की सेहत और रक्षा प्रणाली के विरुद्ध काम कर रहा है, उसके मदद के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके जो है शारीरिक सेहत कमज़ोर है, जिनकी शरीर की रक्षा प्रणाली कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उन्होंने फिर भी सारे निर्देशों का पालन करना है, अपने आप को घरों के अंदर ही रखना है और सारे जो है सावधानी बरतनी है। लेकिन उसके अलावा दूसरों ने अगर वो अपने आप को बस छुपा कर रख रहे हैं और किसी तरह भागने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात उन्हें और कमज़ोर बना रही है। और ये बातें जो है कहीं ना कहीं आत्मिक रीति से भी एक सच्चाई की ओर हमें ले जाती हैं। हर वो चीज़ जिसका हमें भय है और हर वो चीज़ जिससे हम छिपने की कोशिश करते हैं, वो हमारे जीवन के ऐसे हिस्से बन जाते हैं जिनमें हम पूरी तरह बढ़ नहीं पाते। और जो कोई जीवन का हिस्सा हम मानो उजाले में लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु हमें इस विभाग में बढ़ने के लिए मदद करिए, इसमें मुझे मजबूत बनाइए, वो हमारे जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनमें प्रभु लगातार काम करते रहेंगे। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि कई जगहें जो है खुल गई हैं, जैसे प्रभु ने हमसे वादा किया था कि मई महीने में हम एक नए खिलने को देखेंगे। साथ ही परमेश्वर की आत्मा ने हमें ये भी बताया था कि किस तरह दुश्मन कोशिश करेगा कि और कुछ महीनों तक कलीसियाएँ बंद ही रहें। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप समय निकालें और इसके विषय में प्रार्थना करें। कुछ भविष्यवाणियां ऐसी होती हैं जो आप चाहते नहीं कि वो पूरी हों, भले ही वो आपकी की गई भविष्यवाणियां क्यों ना हो, वो आप नहीं चाहते कि ये भविष्यवाणियां पूरी हों। उनमें से एक ये है कि दुश्मन चाहता है कि और 3 महीने तक कलीसियाएँ बंद ही रहें। मैंने 2 हफ्ते पहले ये बात कही थी और मैं स्वयं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी जो है पूरी ना हो। हम इस बात को देखते हैं योना की किताब में। देखिए, जब परमेश्वर ने निनवे के शहर के विषय में जो भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो योना कितना नाराज़ हुआ। वो चाहता था कि ये भविष्यवाणी पूरी हो क्योंकि वो चाहता था कि लोग जाने कि वो एक सच्चा भविष्यवक्ता है। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो क्योंकि ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर आए और संगति कर सकें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का उस अनुग्रह के लिए जो अब तक का हमें चलाती आई है और प्रभु विश्वास योग्य है हमें यहाँ से आगे ले चलने में भी। और हम तैयार हैं इस समय परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने प्रकाशित वाक्य की किताब से पढ़ना शुरू किया था और एक ही वचन को हम जो है पढ़ सके, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज जब मैं वापस से उस अध्याय की ओर जाने की बात करता हूँ और उसके विषय में सोचता हूँ तो मैं कल्पना करता हूँ कि क्या मैं जितना समय हमारे पास है या समय की कमी है हमारे पास है उसमें उस सारे वचन को आपको सिखाने में मैं न्याय कर सकूँगा या नहीं। लेकिन मैं पूरी तरह कोशिश करूँगा और मैं पूरी तरह प्रभु की आत्मा पर निर्भर हूँ कि वो कितना मुझे अनुमति देते हैं कि मैं आपको सिखाऊँ या ना सिखाऊँ या किस गहराई तक हम जाएं। इन बातों में मैं उस पर निर्भर हूँ। प्रभु के अगुवाई में हम आगे चलेंगे। वो जिस ताल पर हमें ले जाएंगे हम उस ताल से आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ उस ताल को पकड़ेंगे और हमारे साथ चलेंगे। मेरी उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो के दौरान जो है ज़्यादा जो है जुड़े हुए रहेंगे। अपने कमेंट्स के द्वारा आप हमारे संग बने रहेंगे। सक्रिय रीति से आप जो है इस वीडियो के साथ बने रहे और जैसा आप ये करते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि और भी चीज़ें आत्मिक रीति से आपके जीवन पर मुक्त की जाएं। और इस समय जब मैं ये वचन आपके पास ला रहा हूँ कई चीज़ें आत्मिक क्षेत्रों में हो रही हैं। कृपया करके मेरे साथ आप प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर आएँ। हम पहला अध्याय उसका 9, 10 और 11वें वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 9, 10 और 11वां वचन। अपने घरों में भी आप अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लीजिए और हम साथ में पढ़ेंगे। पास्टर, अगर आप पढ़ने में मेरी मदद करें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9, 10 और 11 वचन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू पे था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मोरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सार्दिस और फिलेडेल्फिया और लौदोकिया को। ठीक है, चिट्ठियां हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके लिए मैं एक बुनियाद आज डालना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ज़रूरी होगा मेरे लिए कि मैं किसी भी गड़बड़ी में ये बातें आपको न सिखाऊँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इस सफ़र में आप हमारे साथ चले, इस सफ़र के ताल को आप समझें और उसके अनुसार चलें। प्रकाशित वाक्य की किताब वो प्रकाशन है जो प्रेरित यूहन्ना को दी गई थी। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं हम समझते हैं कि यूहन्ना की व्यक्तिगत यात्रा कैसी थी, उसके व्यक्तिगत मुलाकातें प्रभु के साथ कैसी थी। इन सारी मुलाकातों को प्रभु ने इस दास को दी ताकि कलीसियाएं आशीषित हों, कलीसियाओं के पास परमेश्वर के निर्देश हों और कलीसियाओं को दिशा मिले जिस तरह उन्हें जाना है। देखिए, प्रभु जिस तरह कार्य करते हैं ये बहुत दिलचस्प है उसकी प्रक्रिया को समझना और हमें समय निकालना है कि हम प्रभु के काम करने के तरीके को समझ सकें। ये पुस्तक जो है यीशु मसीह के चेलों में जो सबसे छोटा था उस चेले ने इसे लिखा है। हाँ, यूहन्ना जो था वो सारे चेलों में सबसे छोटा था उम्र में और बहुत दिलचस्पी की बात ये भी है कि वो यीशु मसीह का बहुत ही प्रिय था। कई लोग ऐसा कहते हैं, उनका मानना है कि वो यीशु का प्रिय था। ये बातें यूहन्ना खुद ही अपने लिए कहा करता था। चलो कम से कम उसे ऐसा करने का सूझा तो। और यूहन्ना के जीवन को अगर आप पढ़ें तो वो हमेशा अपने आप को यीशु मसीह के करीब रखा करता था। और हम ये भी जानते हैं कि जब कभी उसे मौका मिलता वो जल्दी जो है अपने सिर को यीशु मसीह के अपने स्वामी के कांधे के ऊपर रख देता। मेरे लिए यूहन्ना का जो जीवन है बहुत ही प्रेरणादायक है, विशेष करके कि वो उम्र में सबसे छोटा था। क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जो सबसे छोटा होता है घर में उसको जो है मानो सबसे अलग एक तरीके से रखा जाता है, सबसे ज़्यादा कम जिम्मेदार समझा जाता है और सबसे ज़्यादा शायद उसी का मजाक भी बनाया जाता है। ये जो सबसे छोटा था इस पूरे समूह में, वो इतना बुद्धिमान था कि उसने अपने आप को हमेशा यीशु मसीह के करीब ही रखा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने यूहन्ना को यीशु मसीह के कांधे पर सर रखा हुआ देखा है तो इसलिए नहीं कि यीशु मसीह का सिर्फ एक ही कांधा था। याद रखें कि यीशु मसीह के दोनों कांधे थे, पर अकेला यूहन्ना था जिसने उसके कांधों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह का एक कांधा हमेशा खाली रहा, उस जगह को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसका एक कांधा था जो एक प्रेमी ने यीशु के उस जगह को ले लिया था। इसीलिए जब कभी आप किसी को जो है किसी के विषय में ये सुने कि ये यीशु का प्रेमी है, प्रिय है, किसी को आप यीशु मसीह का प्रेम करता हुआ देखें, और अगर आप अपनी कलीसिया में देखें किसी को कि वो यीशु मसीह को कैसे निहारता है, किस रीति से उसकी आराधना करता है, या कोई बहन है जो बड़े लगन से प्रभु की आराधना करती है, तब आपको ये सवाल करना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि आप इस व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु के लिए लगन है उसे इतना सराहते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो मौका उस व्यक्ति के पास है वही मौका आपके पास भी है। और वही मौका हमारे पास होने के बावजूद आप मानो किसी बाहर के व्यक्ति के समान दूर से इस दूसरे व्यक्ति के लगन को निहार रहे हो, जबकि यीशु मसीह का दूसरा कांधा अभी भी खाली है और आपके पास वही मौका है उसके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए। इस यूहन्ना ने पूरी कोशिश की और इस बात में वो सफल भी रहा कि वो निरंतर यीशु मसीह के करीब बना रहे, यीशु मसीह के करीब चलता रहे। वो शायद पतरस के समान पानी पर चला नहीं, शायद दूसरे चेलों के समान उसमें कोई जो है अचंभा करने वाली चीज़ों को किया नहीं, पर उसने उसकी जो लगन थी प्रभु के लिए, उसका जो चलना था प्रभु के लिए, वो निरंतर उसमें कायम बना रहा। वो इस हद तक यीशु मसीह का पीछा किया कि अंत समय में पाया गया कि वही अकेला यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा रहा, वही अकेला पाया गया। वो अकेला था जो यीशु मसीह के क्रूस के पास पाया गया। वो दूसरों के समान बहुत ज़्यादा अपने गुणों का, अपने अभिषेक का प्रदर्शन नहीं कर रहा था, लोग उसकी बातें नहीं कर रहे थे, मगर वो निरंतर यीशु मसीह के करीब चलता रहा, यीशु मसीह के करीब पाया गया। अपनी तलवार निकालकर यीशु मसीह की सुरक्षा करने के लिए वो आगे नहीं आया था, लेकिन हम जानते हैं वो बोलने वालों में नहीं था, वो करने वालों में था। हम में से कई लोग सिर्फ इन बातों को बोलना पसंद करते हैं कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो मुश्किल समयों में, कठिन परिस्थितियों में सिर्फ बोलते हुए सुनाई न दे कि वो उससे कितना प्रेम करते हैं, पर उसके करीब, उसके चरणों के पास पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो कठिन समयों में भी वफादार पाए जाते हैं, वो कठिन परिस्थितियों के सामने भाग नहीं जाते, और यूहन्ना ऐसे लोगों में था। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, यूहन्ना वहाँ था। यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी यूहन्ना को देते हुए कहा कि यूहन्ना, आज से ये तुम्हारी माँ है। वो क्षण ऐसा था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी या सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंपी थी। मानो यीशु मसीह ये कह रहे हों कि जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है उनको इस जिम्मेदारी को मैं दे नहीं सकता, तुम अकेले विश्वास योग्य इस समय पाए गए हो, तुम अकेले यहाँ पर हो, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो व्यक्ति आखिरी समय में वहाँ उपस्थित पाया गया, प्रभु ने उसको जिम्मेदार समझा और जिम्मेदारी को दिया। परमेश्वर के लोगों, हम चाहते हैं कि प्रभु हमें कुछ जिम्मेदारियां दें। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करे। हम कहते हैं प्रभु से, प्रभु मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं यहाँ जाने को तैयार हूँ, वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। आपको एक राज की बात बताऊँ कि हमें बस एक ही चीज़ करनी है कि हम निरंतर रीति से हम उसके करीब पाए जाए और कायम रहे उन बातों में। हमें निरंतर रूप से उसके लिए उपलब्ध रहना है। हमारी पीढ़ी के साथ तकलीफ ये है कि हम मानो शायद एक हफ्ता उपलब्ध होंगे, हम कुछ महीनों के लिए उत्साहित रहेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा उत्साह ख़त्म हो जाता है, हम उपलब्ध नहीं होते। यीशु मसीह का प्रेमी होने का एक चिन्ह ये है कि वो व्यक्ति बिना रुके लगातार प्रभु के साथ बना रहता है। प्रभु के लिए उनका प्रेम जो है निरंतर बना रहता है, उसमें रुकावट नहीं होती। वे निरंतर रूप से अपने विश्वास पर खड़े रहते हैं, निरंतर रूप से यीशु मसीह के हृदय का पीछा करते हैं। फिर वो 3 हफ्तों की बात हो, 3 महीनों की, 3 सालों की या 3 दशकों की क्यों ना हो, ये लोग निरंतर खड़े पाए जाते हैं। और ऐसे लोगों को यीशु मसीह जो है अपना प्रकाशन देते हैं। देखिए, जब प्रभु ने मत्ती को या लूका को सुसमाचार लिखने का अनुग्रह दिया, या जब प्रेरित पौलुस को अनुग्रह दिया सारे पत्र लिखने के लिए, तो मानो ये तीनों प्रभु के अनुग्रह के एक विशेष जो है दायरे में चल रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि वो मानो एक नबुवत के दायरे में प्रभु के अनुग्रह के चल रहे थे। लेकिन जिस अनुग्रह में प्रेरित यूहन्ना ने काम किया, उसे जो अनुग्रह दिया गया था, उसमें उन्होंने सिर्फ जो है भूतकाल की बातों को ही नहीं छुआ। उनका अनुग्रह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो इतिहास में घटी हुई बातों को दर्ज कर सके, सिर्फ इतने का अनुग्रह नहीं कि वो कुछ प्रकाशनों को परमेश्वर के लोगों के सामने लाए। वो अनुग्रह जो इस जवान व्यक्ति के ऊपर मुक्त किया गया, जो प्रकाशित वाक्य की किताब लिखते हुए शायद वो जवान नहीं थे, लेकिन जब उनकी उम्र छोटी थी, जो अनुग्रह उनके ऊपर मुक्त हुआ वो इस रीति का था कि उस अनुग्रह के कारण वो जो है भविष्य में आगे जाकर, हजारों साल भविष्य में आगे जाकर वो देख सकते। एक विशेष अनुग्रह जो प्रभु के एक प्रिय चेले पर मुक्त किया गया। एक और व्यक्ति है जिसे प्रभु का प्रिय कहा गया, और उसकी ओर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति के ऊपर भी ऐसा ही अनुग्रह था जैसा यूहन्ना के ऊपर था, और वो भी हजारों साल आगे समय में जाकर चीज़ों को देख सकता था। उस व्यक्ति का नाम डैनियल था। प्रभु का स्वर्गदूत दानियल से मुलाकात करता है और उसका अभिवादन हे प्रभु के प्रिय दास, इस रीति से करता है। अब इन दोनों ही जगह पर हम कुछ बातों को देख रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे कि मैं धीरे से आराम से ये बातें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु कुछ कर रहे हैं हमारे बीच। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप पुराने करार में प्रभु के एक प्रिय को देख रहे हो और आप समझ पाते हो कि उसका बल किन बातों में था। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु से, परमेश्वर से प्रेम करता था, और उसका चिन्ह क्या था, वो निरंतर रूप से प्रभु के चरणों में पाया गया। उसने क्या किया, दानियल ने सुबह, दोपहर और शाम निरंतर रूप से वो उसके घुटनों पर पाया गया। उसके दुश्मनों ने कोशिश की कि उसे नीचे गिराए, उसके दुश्मनों ने कोशिश की कि उसमें गलतियां ढूंढ कर निकाले, और उसमें अगर कोई कमी वो ढूंढ सके तो बस यही थी कि वो निरंतर रूप से प्रभु के चरणों में पाया गया। और इसी बात का इस्तेमाल उन्होंने उसके विरोध में करने का तय किया। परमेश्वर के लोगों, जब आप और मैं प्रभु के पीछे हमारे चलने में निरंतर बने रहते हैं, तब आप और मैं दुश्मन के लिए ख़तरा बन जाते हैं। दुश्मन हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपका ये जो निरंतर प्रभु के पीछे चलना है उसको तोड़ दे। जो लोग प्रभु के मित्र होते हैं वो अलग होते हैं। जो प्रभु के मित्र होते हैं उनके ऊपर मानो एक चिन्ह सा होता है, उनके ऊपर एक छाप होती है, उन्हें एक भीड़ में भी पहचाना जा सकता है उस रीति को देखकर जिससे वो प्रभु का पीछा करते हैं। कल रात प्रभु ने बहुत ही गहराई की कुछ बातें मुझसे की। कई बातें परमेश्वर ने मुझसे कही। वो सारी बातें तो शायद मैं आपके साथ ना बांट सकूं, पर एक बात मैं ज़रूर बांट सकता हूं। प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे वादे हाँ हैं और आमीन है। प्रभु ने फिर से कहा कि जिस बेदारी का वादा, जिस जागृति का वादा मैंने तुमसे किया है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर मैं बहुत उत्साहित हुआ कि प्रभु उस अंत दिनों की जागृति को भूले नहीं हैं। इस जागतिक महामारी के बावजूद और दुश्मन के सारे झूठ के बावजूद और इसके बावजूद कि दुश्मन कितने बड़े हमले मसीह के दुल्हन के विरुद्ध लेकर आता है, एक बात तो निश्चय है कि प्रभु एक ऐसी जागृति की हवा उन लोगों के ऊपर मुक्त करने जा रहे हैं जो निरंतर रूप से कायम रहते हैं और उसके मुख के खोजी हो जाते हैं। मसीह से ऐसा प्रेम करने वाले लोग जो निरंतर बने रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये जो अंधेरा सा काला सा समय है, ये जल्द ही बीत जाएगा। मैं सुनता हूँ कि प्रभु कुछ बहुत ही ज़रूरी हमसे कहना चाहते हैं और वही बातें मैं इस सभा के दौरान आपसे कहना चाहूँगा। परमेश्वर कुछ बेदारी के रचने वालों को इन दिनों में उठ खड़ा करेगा, विशेषकर जो रेगिस्तान की जगहों से, देशों से आते हैं, वहाँ से भी कोई है जो मुझे इस समय मध्य पूर्वी दुनिया से देख रहा है। आप कई दिनों से हमारी सेवकाई से जो है जुड़े हुए हो इन वीडियोस के माध्यम से, और मेरी प्रार्थना है कि इस समय जैसे आप हमें सुन रहे हो, बेदारी का अनुग्रह जो इस सेवकाई के ऊपर है वो आपके जीवन के ऊपर भी जो है उंडेला जाए और आपके जीवन पर वो सामने आए। मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि प्रभु आपका एक महान बेदारी के लिए इस्तेमाल करें। मैं देख रहा हूँ कि आप इस हमारी सेवकाई को देख रहे हैं और कुछ चीज़ों की मांग कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का दावा कर रहे हैं प्रभु से। पाइए उन बात को, आपके हृदय की इच्छाएं आपके जीवन पर मुक्त की जाएं। प्रभु की आंखें प्यारों इस मौसम में, इस दौर में पृथ्वी के दाएं बाएं घूम रही हैं और ढूंढती हैं। एक और भी गहरा सा अंधेरा है जो इस पृथ्वी पर आने का बाकी है। और भी बड़ी बीमारियां, महामारियां होनी बाकी हैं। पिछले 6 से 8 महीने से दुश्मन जिन बातों को करने की कड़ी कोशिश कर रहा है, वो सारी बातें प्रभु के संतों के प्रार्थनाओं के कारण, प्रभु के नबियों के वचनों के कारण और उसके प्रेरितों के विश्वास के कारण, वो सारी बातें एक रीति से मानो रोक दी गई हैं। हाँ, और मैं इस समय दुश्मन की योजनाओं के अंदर गड़बड़ी को देख रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा को ये कहता हुआ सुन रहा हूँ कि मैं मसीह की दुल्हन को एक और मौका देता हूँ कि वो उठ खड़ी हो जाए। प्रभु का आत्मा कहता है कि अमेरिका देश के ऊपर भी मैं उन्हें थोड़ा और समय बढ़ा कर दे रहा हूँ। सवाल ये है कि इस मौसम में कौन उठ खड़ा होगा? क्या प्रार्थना के योद्धा एक नए लगन के साथ खड़े होंगे? क्या परमेश्वर के बच्चे एक नई हिम्मत में खड़े हो पाएंगे? परमेश्वर के लोगों, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। परमेश्वर अपनी महान दया के कारण हमें अनुग्रह देंगे कि हम दोबारा से संगति के लिए एक साथ मिल पाएंगे। उतना ही नहीं, प्रभु हमें अनुग्रह दे रहे हैं इस समय कि हम बड़े बड़े स्टेडियम्स में भी मिलकर आराधना करेंगे। वो लोग जो आत्मा में सुनना चाहते हैं, वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। प्रभु की वाणी यूँ कहती है कि बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रभु का सुसमाचार सुनाया जाएगा। उन बातों का समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कितनी ही चीज़ों को पिछले कुछ समयों में देख रहा हूँ, इस समय वो घट रही हैं। जो आखिरी वाक्य मैंने इस समय कहा था, उस वाक्य के कारण एक अनुग्रह है जो कुछ लोगों के जीवन पर मुक्त किया गया है। देख रहा हूँ कुछ अभिषिक्त किए हुए लोग हैं जिनके जीवन के ऊपर एक नया सामर्थ्य सा उठर के आता है इस समय। द्रो खोलोबो शांतातारिया, प्राप्त कीजिए उसे, प्राप्त कीजिए, ले लीजिए। देखिए, स्वर्गदूतों को भी उनके समूहों में बांट दिया गया है। कुछ स्वर्गदूतों का समूह जो है उन्हें मुक्त किया गया है इस समय आपके लिए। तो मैं विश्वास करता हूं कि जहां कहीं से आप देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं जहां आप देख रहे हैं आप अपनी आवाजों को ऊंचा करके प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करता हूं कि आप अपनी आत्मा में इन बातों को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैं देख रहा हूं कि प्रभु कुछ जवानों को स्पर्श कर रहे हैं इस समय। पिछले मौसम में आपका ध्यान विचलित रहा है, पिछले मौसम में दुश्मन ने आपके जीवन के ऊपर बहुत सारी गड़बड़ियां लाने की कोशिश की। जवान विवाहित जोड़े हैं, आपके विवाह में भी उस दुश्मन ने जो है गड़बड़ी पैदा करने की, उलझन पैदा करने की कोशिश की है। कुछ जवान लोगों की जो जीवन की दिशाएं हैं उनके अंदर गड़बड़ी लाने की कोशिश हुई है। इस समय जैसे आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के ऊपर से कुछ बोझ को, उसके जुए को वो तोड़ रहा है। वो निरंतर रीति से, लगातार रीति से कायम रहने का अनुग्रह आपके जीवन पर मुक्त हो, निरंतरता का अनुग्रह आपके जीवन पर मुक्त हो। सुनिए, कोई भी एक हफ्ते के लिए प्रभु से प्रेम कर सकता है, कोई भी एक महीने तक प्रभु से प्रेम कर सकता है, लेकिन आप, मैं आपके ऊपर इस बात की घोषणा करता हूं कि आपका प्रेम प्रभु के लिए दशकों तक बना रहेगा इस पृथ्वी पर, कि आपका सारा जीवन और उसके बाद अनंत काल का सारा समय आप यीशु मसीह के लिए एक विश्वास योग्य, उससे प्रेम करने वाले बनेंगे। आप ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से चुना हो। याद रखें कि प्रभु ने यूहन्ना के ऊपर स्वयं अपनी माँ के जीवन के लिए विश्वास किया। सोचिए, ऐसा नहीं था कि किसी छोटी चीज़ के लिए, एक नाव के लिए, एक जाल के लिए यूहन्ना के ऊपर विश्वास किया गया था। ऐसा नहीं था कि मानो यीशु ने कहा हो कि मेरे दोस्त, मेरे वापस आने तक मेरी छोटी सी नाव को तुम संभाल लेना। ना ना ना, वो उसकी अपनी माँ थी। प्रभु ने ये कहा कि मैं इस व्यक्ति के लगन को, इसके निरंतर विश्वास योग्य पाए जाने को मैंने देखा है और इस पर मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। और मैं जानता हूं कि कल सुबह उठकर वो ये नहीं कहेगा, अरे क्षमा कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी से चूक गया। यूहन्ना जिस रीति से प्रभु का पीछा करता था उसमें एक स्तर की जो है कायमता थी, और उस कारण से प्रभु उसके ऊपर विश्वास कर सके कि वो उसके माँ की जिम्मेदारी को उठाएंगे। ऐसी ही विश्वास योग्यता को परमेश्वर खोजता है ताकि वो इस अंत समय की बेदारी की जिम्मेदारी किसी पर सौंपे। इन अंतिम दिनों के प्रकाशनों को, इन अंतिम दिनों के नबूवत के शब्दों को प्रभु कहता है कि वो यूं ही किसी के भी हाथों में नहीं सौंपेंगे। मैं हरेक के ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता। इन जिम्मेदारी के लिए आपके चरित्र में कुछ बातों का होना जरूरी है, आपके अंदर एक धीरज का होना जरूरी है, आपके अंदर एक स्थिरता का, एक निरंतर कायम रहने की क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर एक स्थिरता का बल होना चाहिए, आपके भावनाओं में वो निरंतरता होनी चाहिए, आपके अंदर समझदारी और संयम होना ज़रूरी है। इससे पहले कि वो ये सारी जिम्मेदारियाँ किसी को सौंपे, प्रभु चाहता है कि वो व्यक्ति भावनात्मक रीति से बिखरा हुआ नहीं हो, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंह के गुफा में भी शांत रहे, आराम में रहे, कोई ऐसा जो तब भी प्रभु पर विश्वास करे जब उसके सारे सामाजिक जो स्तंभ है, सहारे हैं, उससे छीन लिए जाएं, कोई ऐसा जो उस समय भी जब उन्हें एक अकेले टापू पर कहीं फेंक दिया गया हो, उस समय पर भी जब उन्हें कहीं अकेला छोड़ दिया गया हो, जब उनके पास कोई नहीं हो जो उनका सहारा बन सके, तब वे लोग अपने नाखून या अपने पंजे दिखाना शुरू न करें। ऐसे लोग हम न बने जो ऐसे समयों में किसी को भी जख्मी करने के लिए तैयार हों, ऐसे लोग जो उनके सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ करते हुए नजर न आए, ऐसे लोग हम न बने जो किसी के भी पीठ पीछे बातें करें, किसी की भी बुराई करें, किसी तरह सामाजिक रीति से वो चाहें कि लोग उन्हें अपनाएं, लोग उन्हें सराहें। जब वो अकेले भी हों वो आराम में रहें, शांति में रहें, प्रभु के आराम में, और वो उसी आराम से होकर सारे कार्यों को करें। और ऐसी ही स्थिर समयों पर, ऐसे ही स्थिर आत्माओं पर प्रभु उसकी जानकारी को उनके जीवन पर मुक्त करते हैं। ध्यान दें कि अगर आप भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से विचलित हैं, दुश्मन ने मानो आपको तितर बितर कर दिया है, ऐसे समय में प्रभु कितने ही सामर्थी शब्दों को आपकी आत्मा में क्यों न डाले, आपके आत्मिक और भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता के कारण वो वचन दूषित हो जाते हैं, वो फल नहीं ला पाते। लेकिन प्रभु एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जिसके ऊपर प्रेम का अनुग्रह है। प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को तलाशते हैं जिसके ऊपर स्थिरता का अनुग्रह है, उनके अंदर महान संयम है, उनके अंदर दर्द सहने की क्षमता है। ऐसे लोग जो छोटी से छोटी धमकियों के कारण, डराने के कारण अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, भले ही उनके मित्र उनके साथ रहें या उनको छोड़कर चले जाएं, ये लोग विश्वास योग्य रीति से खड़े रहेंगे, ये यीशु के चरणों में पाए जाएंगे। याद रखें, जब सताव हुआ तो 11 चेले भाग गए थे, यूहन्ना अकेला खड़ा रहा। अगर आप ध्यान से यूहन्ना के जीवन को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाना चाहता था। पतरस ने जिस रीति से यीशु मसीह का इनकार किया था, उस कारण उसके अंदर इतना दोष था कि जब समय आया उसके शहीद होने का, उसने ये कहा कि मैं मसीह जैसे जो है मरने के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्रूस पर आप उल्टा लटका दो, मानो मैं उसके चरणों को चूमते हुए मरना चाहता हूँ। तो पतरस को क्रूस के ऊपर उल्टा लटकाया गया। ये मानो पतरस का तरीका था अपनी विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए। लेकिन यूहन्ना वैसा नहीं था, वो यीशु से प्यार करता था और उसे उसके प्रेम को साबित करने के लिए कुछ बड़ा सा करने की ज़रूरत नहीं थी। उस प्रेम को साबित करने के लिए उसका मरना ज़रूरी नहीं था। कुछ लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि उनके मृत्यु से ही वो साबित कर पाएंगे कि वो यीशु से कितना प्रेम करते हैं। सोचिए, अगर दुख सहना ही मसीह के लिए आपके प्रेम का चिन्ह है उसके लिए, तो यूहन्ना ने इस बात से इनकार क्यों किया? वो कहता है नहीं, मैं वैसा नहीं मरना चाहता। अगर हम इतिहास को पढ़ें तो पहली सदी के अंत में डोमिशन नाम का एक राजा था जो विश्वासियों पर बहुत अत्याचार किया करता था। उसने यूहन्ना जो प्रिय है प्रभु का, उसको गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति ने यूहन्ना को गिरफ्तार करके उसको खौलते हुए, उबलते हुए तेल के जो है घड़े में डाल दिया और उस उबलते हुए तेल में झोंके जाने के बावजूद यूहन्ना मरने को तैयार नहीं था। इतिहास ये कहती है कि उस उबलता हुआ तेल ने यूहन्ना पर कोई असर नहीं किया। कुछ लोग अपना प्रेम प्रभु के लिए, उसके लिए दुख उठाकर साबित करते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रभु के लिए मरना महिमा का कारण हो सकता है। लेकिन यूहन्ना का प्रकाशन ये था कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना उतना ही महिमापूर्ण हो सकता है। वो ऐसा व्यक्ति था जो ये कहता था कि मैं एक लंबी आयु जीना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन यीशु मसीह के लिए एक रोशनी बनकर चमके। आप जानते हैं परमेश्वर के लोगों, पहला स्टेडियम का रिवाइवल तब हुआ जब यीशु मसीह से प्रेम करने वाला एक चेला कहता है नहीं, ये मेरा मरने का समय नहीं है, ये मेरा समय जाने का नहीं है। यहाँ तक कि इतिहासकार ये कहते हैं कि उसे देखने आए हुए सारे लोग जो स्टेडियम में भरे हुए थे, सारा कोलोसियम जो है वो उसके आवाज़ को सुनकर प्रभु के करीब आ गया था। एक बड़ी जागृति उस जगह में हुई थी, क्योंकि लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे उबलते हुए तेल में डालने के बावजूद वो मरा नहीं। लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि इसे तुरंत जो है यहाँ से निकाल कर पतमोस के टापू पर भेज दो और उसे वहाँ भेज दो ताकि वो वहाँ अकेले में मर जाए। प्रभु से प्यार करने वालों के लिए ये बातें लागू नहीं होती। कोई और अगर होता तो वो अकेलापन उन्हें शायद निराश कर देता, लेकिन यीशु मसीह से जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए तिरस्कार मानो एक मंच सा बन जाता है। आप यीशु मसीह से प्रेम करने वालों को तिरस्कार की सज़ा नहीं दे सकते। तिरस्कार मानो उनके लिए एक ईंधन बन जाता है। बाकी सभी लोगों के लिए तिरस्कार, लोगों से इनकार पाना मानो अंत का चिन्ह हो जाता है। लेकिन वे जो यीशु से प्यार करते हैं, जब उनका तिरस्कार होता है, लोग उनका इनकार करते हैं, वो यीशु मसीह के और भी करीब जाते हैं। जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अकेलापन उनके लिए अंत का समय नहीं है। वो जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अकेलापन उनके लिए एक मौका है कि वो अपने ही लिए इस पृथ्वी पर एक आदन का बगीचा बना ले और उस बगीचे में प्रभु के साथ अकेले संगति करें। और उस वजह से वो कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि वो सिद्ध संगति उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। हमारे लिए वो पवित्र आत्मा की संगति है। अकेलापन हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनता, अकेलापन हमें और मजबूत बनाता है, उसकी वजह से हम और मजबूत होते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ध्यान दें कि जिन बातों को दुश्मन ने हमारी हानि के लिए तैयार किया था, प्रभु उन्हीं को इस्तेमाल करके हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। मानो प्रभु योना से कह रहे हैं कि योना, तू पूरा का पूरा मुझे मेरे लिए चाहिए, क्योंकि मैं कुछ जानकारियाँ तेरे अंदर अभी तुझे देने जा रहा हूँ जो अब तक मैंने किसी और को नहीं दे पाया था। इसलिए कि दूसरे जिस कैपेसिटी में, जिस स्तर पे तू मेरे लिए उपलब्ध रहा है, दूसरे मेरे लिए उपलब्ध नहीं रह पाए हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब दुश्मन हमें जो है भरमाना चाहता है, धोखा देना चाहता है, तो वो कुछ ऐसे शिक्षणों को हमारे पास लेकर आएगा जिसके अनुसार वो सिखाएगा कि जितना कुछ हम तक पहुंचना था, जितना तो कुछ हमने प्रकाशन से सीखना था, वो सब कुछ जाहिर हो चुका है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हर एक चेले के पास, हर एक प्रेरित के पास, हर एक व्यक्ति के पास प्रभु का अपना अलग प्रकाशन था। जो प्रकाशन प्रभु ने यूहन्ना को दिया, वो प्रकाशन प्रभु ने पॉल को दिए हुए प्रकाशन से अलग था। मैं थोड़ा समय लेकर ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ प्रेरित पौलुस जो है, जो प्रकाशन उसे दिया गया था, उसके विषय में कुछ कह रहे हैं। हम इफिसियों का 3रा अध्याय पढ़ेंगे, 3रा अध्याय 1 वचन से। इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। वो क्या कह रहा है? मैं किसके लिए? तुम अन्य जाति के लिए। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। वो कह रहा है कि ये अनुग्रह किसके लिए? तुम्हारे लिए, दूसरों के लिए मुझे दिया गया था। हम आगे पढ़ेंगे। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। मतलब वो कह रहा है कि अब तक ये बातें रहस्य थी, भेद की थी, और अब इन बातों को उस पर जाहिर किया गया है, उसे उनका प्रकाशन मिला है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। वो क्या कह रहा है कि मैं मसीह का भेद, यानी कि मुझे किस हद तक मसीह का ये भेद, ये प्रकाशन प्राप्त हुआ है, मेरी समझ कितनी बड़ी है। आगे पढ़ते हुए, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा ही नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। वो कह रहा है कि ये बातें सभी पर जाहिर नहीं की गई हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि प्रेरित पौलुस असल में क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो स्वयं भी किसी और समय काल में जीवित होते, तो भी ये बातें जो अब उन पर जाहिर हुई हैं, उस समय उन पर जाहिर नहीं की जाती। लेकिन अब ये बातें उन पर जाहिर की जा रही हैं। उन्हें चुना गया है कि ये बातें उन्हें समझाई जाए, उन्हें प्रकट की जाए, और इसका कारण यह है कि वो एक अलग समय काल में जी रहा है, और ये बातें उस पीढ़ी पर जाहिर की जा रही हैं क्योंकि मसीह उस पीढ़ी में जन्मा। और इसके बावजूद भी परमेश्वर को ये कहना पड़ा कि वो किसी एक विशेष व्यक्ति को ये बातें बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें हर एक पर जाहिर नहीं की गई। यही सारी बातें प्रकाशित वाक्य की किताब में भी बहुत सुंदरता से हम देखते हैं कि किस तरह जो बातें प्रेरित पौलुस पर जाहिर की गई थी, वही बातें प्रेरित यूहन्ना पर जाहिर नहीं की गई। लोग शायद ये भी कहें कि हमें सबूत के साथ बताओ कि वचन में ये कहाँ लिखा है। ये वही लोग हैं जो प्रेरित पौलुस की लिखी हुई बात को पढ़ रहे हैं, जो वो ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ ये बातें यशायाह पर जाहिर की गई थी और मैं उसकी बातें आपको बता रहा हूँ। वो कहता है कि ये बातें मुझ पर जाहिर हुई हैं। प्रेरित यूहन्ना भी कहते हैं कि यही बातें जो है मुझ पर जाहिर हुई हैं और जो बातें मुझे बताई गई वो पौलुस को नहीं बताई गई थी। हर पीढ़ी में परमेश्वर अपने आप को एक नए रीति से उस पीढ़ी पर जाहिर करते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि लिखा हुआ वचन बाइबल में जोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि प्रभु का वचन या प्रभु अपने आप को और जाहिर नहीं कर रहे। आप इस बात को लेकर लोगों से विवाद नहीं कर सकते कि प्रकाशित वाक्य की किताब के बाद प्रभु का प्रकाशन आना बंद हो गया है। इसका मतलब ये होगा कि आप इस बात के लिए विवाद करेंगे, झगड़ेंगे कि देखिए जो कुछ प्रभु को जाहिर करना था वो कर दिया है, अब नया प्रभु में हमें जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो भी सकता है? क्योंकि बाइबल स्वयं ये कहती है कि जितना कुछ यीशु मसीह ने किया वो सारे बातें जो है उन 66 पुस्तकों में नहीं लिखी जा सकी, क्योंकि वो संभव नहीं था। संभव नहीं था कि जितना कुछ यीशु मसीह ने किया वो 66 किताबों के अंदर लिखा जा सके, क्योंकि बहुत कुछ था। यानी कि ये जो किताब हमारे हाथ में है, जिसे हम छूते हैं, इसके अंदर प्रभु के विषय में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, नहीं लिखी जा सकती। मतलब ये कि कोई इस बात में विवाद नहीं कर सकता कि प्रभु ने जो जाहिर करना था वो कर दिया है और अब प्रभु की ओर से हमें नया प्रकाशन कुछ मिलने को बचा ही नहीं। याद रखें कि हमें गंभीरतापूर्वक और संभाल कर आगे बढ़ना है। हम प्रभु के वचन में नई चीज़ें नहीं जोड़ रहे हैं, हम उसके पवित्र शास्त्र में कुछ नई बातों को नहीं डाल रहे। अगर हम इन बातों में सावधान नहीं रहे तो दुश्मन हमें जो है एक गलत दिशा में ले जा सकता है। उसी के साथ हम वचन में भी इन्हीं बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को एक पीढ़ी के सामने इस तरह प्रकट किया जैसे उसने पिछली पीढ़ी के सामने नहीं किया था। लिखे हुए वचन के दायरे में से ही परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को आपके ऊपर जाहिर करेंगे जो बातें आपके पिता के ऊपर जाहिर नहीं हुई थी, जो बातें उस पुरानी पीढ़ी पर जाहिर नहीं हुई। परमेश्वर वो बातें हमारी पीढ़ी पर जाहिर कर सकते हैं, वो भी एक ऐसी गहराई से जैसा उन्होंने प्रेरित पौलुस के साथ भी नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि कई लोग इन बातों को ये कहकर टाल देंगे कि ये बातें असंभव है, क्योंकि उन्होंने उतना समय वचन के अध्ययन में शायद बिताया है। लेकिन अगर हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को पढ़ें जो प्रभु का पीछा कर रहा हो, ऐसे लोग जिन्होंने लोगों के बीच में, अकेलेपन में और हर परिस्थिति में अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के मुख के खोजी होने में बिता दिया, वे लोग आपको बताएंगे कि किस तरह परमेश्वर ने उनके सारे भाइयों से ज़्यादा, उनके सारे सहकर्मियों से ज़्यादा अपने आप को उन पर जाहिर किया। एक समझदारी है जो परमेश्वर की ओर से आपके पास आ रही है, जो आपके दोस्तों से ज़्यादा आपको दी गई है। मैं इस आशीष की घोषणा इस समय किसी के ऊपर करता हूँ जो इस समय हमें देख रहा है कि एक अनुग्रह है जिससे कि छुपे हुए रहस्य आपके जीवन पर जाहिर होते हैं, वो आपको दिया जाता है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस 6 वचन में आगे ये कहता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि रहस्य ये है जो मुझ पर जाहिर हुआ, इससे पहले किसी और पर नहीं, कि अन्य जाति के लोग भी प्रभु के विरासत के जो है साझे हकदार बने हैं। यानी कि अगर परमेश्वर की ओर से आपको एक काम सौंपा गया है तो उस समय के लिए एक ऐसा रहस्य जो उस पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, आपके द्वारा परमेश्वर उसको उन पर जाहिर करेंगे। और इन्हीं वचनों को जब हम पढ़ते हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो कुछ पीढ़ियों पर जाहिर नहीं की गई थी, क्योंकि अभी उन सच्चाइयों के जाहिर होने का समय नहीं आया था। कुछ ऐसे रहस्य जो कुछ पीढ़ियों को समझ ही नहीं आए थे। मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि हम एक आखिरी समय की पीढ़ी होने के नाते, मैं विश्वास करता हूं कि जैसे हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के सबसे ज़्यादा करीब हैं, प्रभु की ओर से एक बड़ी समझदारी हम पर मुक्त की जाएगी। महान प्रकाशन और महान रीति से हम प्रभु के साथ मुलाकात करेंगे। इस समय मैं चाहकर भी कल रात जो आत्मिक क्षेत्रों में हमारे साथ बातें हुई उनकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु उन लोगों के लिए जो इस सीज़न में, इस मौसम में उठ खड़े हो रहे हैं, कुछ अद्भुत चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। कुछ महिमा से भरा हुआ है जो परमेश्वर उन लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं जो एक नई लगन से उसका पीछा करेंगे। आप में से कुछ लोग जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्यों आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मैं इतना उत्साहित क्यों हो रहा हूँ। इसका कारण बहुत ही साधारण सा है कि जो शब्द मैं आपसे कह रहा हूँ उनके पीछे पवित्र आत्मा है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें परमेश्वर ने बहुत ही सटीकता से शुरू की थी पिछले हफ्ते, उन्हीं बातों को इस हफ्ते प्रभु स्वयं बल दे रहे हैं और अनुग्रह आपके जीवन पर मुक्त किया जाता है इस वीडियो के द्वारा। और कई चीज़ें आपके जीवन में डाली जा रही हैं और कई प्रकाशन और अभिषेक आपके जीवन पर उंडेला जाता है। आप उन बातों को प्राप्त करें इस वक्त यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो के साथ आप जुड़ जाएं, अपने जो है मैसेजेस कमेंट्स में डालकर, और हमें पता चलने दें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप हमारे साथ जुड़ते हैं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से उमड़ने पाए। पाइए 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 पाइए, इन बातों को पाइए। ऐसा होने दें कि आप उड़ान भरें, और आपकी उड़ान आत्मिक क्षेत्रों की हो। आपकी समझदारी उस गहराई पर जाए जहाँ वो पहले कभी नहीं थी। आपके व्यक्तिगत जो रिश्ता है प्रभु के साथ वो ढांप लिया जाए। आपका संगति जो है प्रभु के साथ उसकी सुरक्षा हो। ऐसा होने पाए कि आप अलग कर दिए जाएं। ऐसा होने पाए कि आपके ऊपर मसीह की छाप हो। ऐसा होने पाए कि प्रभु आपको विश्वास योग्य रीति से देख सके, जैसे आप कायमता से निरंतर रूप से उसका पीछा कर रहे हों। एक और बात जो मैं इस समय देख रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो के माध्यम से प्रभु कुछ जवान अगुवों के ऊपर अपना अभिषेक मुक्त करते हैं। एक अनुग्रह है जिसका दावा आप प्रभु के सामने कर रहे हैं, और इस वीडियो के माध्यम से वो बातें आपके जीवन पर मुक्त होती हैं। आप देखोगे कि जब आप अगली बार सेवकाई के लिए खड़े होंगे, बोलने के लिए खड़े होंगे, एक नया बहाव होगा, एक ताज़ा जानकारियाँ होंगी जो आपके द्वारा बहेंगी। कुछ लोग हैं जो अपनी समझदारी में, अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। कुछ बातें हो रही हैं, आपके डीएनए में बदलाव आ रहा है। इस वीडियो के द्वारा प्रभु मानो एक निवेश सा आपकी आत्मा में कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप खड़े हैं, आप बोलने वाले हैं, और जब आप अपने मुँह को खोलते हैं बहुत गहरी और समझ की बातें आपके मुँह से निकलती हैं। परमेश्वर महान रीति से आपका इस्तेमाल करने को है। हाँ, हम व्यक्तिगत रीति से, शारीरिक रूप से एक दूसरे के सामने नहीं है, पर क्या पवित्र आत्मा इन सीमाओं में बंध सकता है? अभी इन बातों को पा लीजिए यीशु मसीह के महान नाम में। जिन बातों के लिए आप प्रभु के सामने दावा कर रहे थे, उन बातों को इस वक्त पा लीजिए यीशु मसीह के नाम में। नए प्रकाशन आपके जीवन पर मुक्त किए जाएं। एक ऐसा अनुग्रह आप पा सके जिसके द्वारा आप निरंतर बने रहें। जब आपके आसपास सभी लोगों का ध्यान भटकता रहेगा, तब आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। जब हर कोई आपके आसपास अपनी ही दुनिया में गुम होगा, तब आप प्रभु में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। मैं यहाँ आकर ये वचन आप तक पहुँचा सकूँ, उसके थोड़े ही पहले मैंने अपनी आत्मा में एक गीत के बोलों को सुना। ये गीत जो है मेरी अपनी मातृभाषा में नहीं है, लेकिन मैं जिस राज्य से आता हूँ उसके करीब एक और राज्य है, उस राज्य की भाषा में ये गीत है। ये गीत तमिल भाषा में है। ये बहुत ही सुंदर भाषा है, और एक अनुग्रह है इस भाषा पर कि आराधना को बहुत सुंदर रीति से शब्दों के द्वारा दर्शाती है। और जो गीत मैं सुन रहा था अपनी आत्मा में, मैं चाहता हूँ कि उस गीत को थोड़ा सा भाषांतर करके, अनुवाद करके आपको सुनाऊँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वो अनुग्रह इस वीडियो के ऊपर है। गीत इस प्रकार कहता है कि प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरी नज़रों में हमने कोई मेहरबानी को पाया है। गीत कहता है, इसी विचार को लेकर मैं हर दिन सोचता हूँ, इसी बात के ऊपर मैं मनन करता हूँ। मैं कैसे जानूंगा इस बात को प्रभु। ये गीत मूसा के प्रार्थना के ऊपर लिखा हुआ है जो उसने निर्गमन के 33वें अध्याय में किया था। मूसा कहता है कि हम इन बातों को तब जानेंगे जब आप हमारे साथ चलेंगे, आपकी उपस्थिति जो हमारे साथ है वो इस बात का चिन्ह है कि हमने आपके ओर से मेहरबानी को पाया है। आपके जीवन पर परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर की मेहरबानी आपके जीवन के ऊपर है। चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य इस बात का चिन्ह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो मूसा को छोड़ दिया था। वो कह रहा था जाओ लेकर, ना 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 ना। वो कहता है प्रभु हमें सिर्फ यहाँ से ऐसे ही नहीं जाना है, आपकी उपस्थिति के बगैर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ चमत्कार पाना नहीं चाहते, क्योंकि चमत्कार ज़रूरी नहीं कि उसकी उपस्थिति का वे चिन्ह हो। वो कहता है आपकी मेहरबानी का अगर कोई चिन्ह है तो वो आपकी उपस्थिति स्वयं है जो हमारे साथ होती है। आगे गीत ये कहता है कि प्रभु के बादल जो है ऊपर से हमारी सुरक्षा करते हैं, और एक बादल का खंबा है जो हमारे आगे चलता है और हमें रास्ता दिखाता है। आगे शब्द ये कहता है कि प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। गीत आगे ये कहता है कि जीवन में भले ही कितने ही कड़वे समय, कड़वे अनुभव क्यों ना हो, वो उस पेड़ की टहनी के बारे में ये कहता है कि प्रभु मेरे लिए चीज़ों को उस पानी की तरह बनाएगा जिसमें वो पेड़ की टहनी डाल दी गई और वो मीठा हो गया। इस गीत को लिखने वाला कहता है कि वही पेड़ हमारे साथ यात्रा कर रहा है। वो कहता है कि वही परमेश्वर जिसने उस कड़वे पानी को शहद सा मीठा बना दिया वो हमारे साथ है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो उसके प्रेमी हैं। प्रभु चाहता है कि ऐसे एक सफ़र की शुरुआत उन लोगों के साथ की जाए जिसके दौरान वो ऐसी बातों को उन पर जाहिर करेंगे जो उनके पहले की पीढ़ी ने कभी भी जाहिर होती हुई देखी न होंगी। क्या आप ऐसी यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं कि आपकी पीढ़ी के लिए आप पवित्र आत्मा को उस तरह उठाकर लेकर चलने वाले बने? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आप निरंतर रीति से उसका पीछा करेंगे और उस कारण प्रभु आपका इस्तेमाल करे कि एक पूरी पीढ़ी को वो आपके द्वारा अगुवाई कर सके? हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच महान रीति से उपस्थित हैं। जैसा मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति के वज़न को महसूस कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा कई रीति से आपके साथ मुलाकात करना चाहता है। क्या आप अपने मन को उसकी ओर लगा सकते हो? क्या आप अपना सारा ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लगा सकते हो? क्योंकि वो कुछ ऐसी बातें आप पर जाहिर करना चाहता है जो आपके परिवार में किसी ने नहीं की हैं। ये समय आपका है। मैं चाहता हूँ कृपया करके आप मेरे साथ एक और वचन पढ़ें ताकि उसके बाद हम साथ प्रार्थना कर सकें। हम साथ में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 29वें अध्याय से पढ़ेंगे, और अगर प्रभु की मर्जी रही तो अगले हफ्ते मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि आपको कुछ संक्षिप्त रीति से उन बातों को बताऊं कि प्रभु किस तरह संसार के कुछ भागों को जागृत करने में दिलचस्पी रखते हैं। हो सके तो कुछ ज़रूरी बातें जो परमेश्वर का आत्मा कर रहा है उन पर भी हम कुछ देर अगले हफ्ते बातें करेंगे, ठीक है? तो इस वक्त हम व्यवस्था विवरण की किताब 29वां अध्याय पढ़ेंगे। 29वां अध्याय 29वां वचन। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में ही रहेंगी, इसीलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। एक बार और हम इसे पढ़ेंगे। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर, वो कहते हैं कि रहस्य की बातें, राज की बातें वो किसकी हैं? वचन कहता है कि राज की बातें परमेश्वर की है, और हमने कुछ बातों को कुछ हफ्ते पहले हमारी कलीसिया में सीखा था। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु जो है कुछ बातों को अपने तरीके से छुपा कर रखते हैं, और वो काम राजाओं का है कि वो उन छुपी हुई बातों को ढूंढे। और ये वचन दोबारा से यही कहता है कि कुछ रहस्य की बातें हैं, यानी कि परमेश्वर कुछ रहस्यों को छुपा कर रखे हुए हैं, ऐसी रहस्य की बातें जो सभी के समझ नहीं आती। यहाँ तक कि रोमियो का पहला अध्याय में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है, और उसका नतीजा ये कि लोग परमेश्वर का मजाक बनाने लगे थे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की बातों की समझ नहीं थी, वो उसे अपना नहीं पा रहे थे, वो उसको हजम नहीं कर पा रहे थे। हम फिर से व्यवस्था विवरण की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है कि देखो रहस्य की बातें, गुप्त की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा की है। इसका मतलब ये कि अगर उन्हें जाहिर नहीं किया गया है, प्रकट नहीं किया गया है, वो हमारे लिए नहीं है। देखिए, जिस समय परमेश्वर एक रहस्य के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देते हैं, उसी समय ऐसा होता है कि वो प्रकाशन हमारा हो जाता है। वो रहस्य और उसका जाहिर किया जाना हमारा और हमारे बच्चों के लिए हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को मेरे साथ पढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में वचन ये कह रहा है कि जब तक ये बातें आपके लिए रहस्य हैं, जो बातें आपको समझ नहीं आती वो आपके लिए नहीं है। बातें आपको समझ नहीं आती उनका आनंद आपके बच्चे भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए ये बात ज़रूरी है कि आप किसी भी सेवकाई के तले नहीं रह सकते, किसी भी सेवक के अधीनता में या किसी भी पास्टर के अधीनता में आप यूं ही नहीं रह सकते। याद रखें कि जब कभी आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति के पीछे जो आत्मा है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। हाँ, हर जगह परमेश्वर का वचन ही सिखाया जाएगा, लेकिन जिस स्तर पर उन पर परमेश्वर का वचन जाहिर होगा, उसी स्तर पर आपके जीवन पर वो बातें मुक्त की जाएंगी। तो जिन बातों को हमारे ऊपर जाहिर की गई हैं, उन बातों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हम और हमारे बच्चे भी। इसका मतलब जब मैं पूरी ईमानदारी से प्रभु के मुख को खोजता हूँ और उसका नतीजा ये है कि कुछ प्रकाशन मेरे जीवन पर मुक्त किए जाते हैं। आप इस बात को ध्यान से देखें कि क्यों दुश्मन इन प्रकाशनों को हमारे जीवन पर आने से रोकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस प्रकाशन को पाए और उसके द्वारा आपके बच्चे भी उस प्रकाशन को पा सकें। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि आपके हृदय को इन बातों से दूर ले जाए। वो चाहता है कि आप बस बुनियादी बातों में, शुरुआती बातों में बने रहे। और गहरे जाकर क्या होगा, इतना पढ़कर क्या होगा, तुम्हें तो सिर्फ स्वर्ग ही जाना है। क्योंकि दुश्मन जानता है कि अगर आप गहराई में गए तो आप केवल अपने लिए नहीं पर अपने आने वाले बच्चों के लिए भी कुछ रहस्यों को निकालने वाले हो, पर्दा हटाने वाले हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो बातें जो अब तक स्वर्ग में हैं, जब प्रभु आपके ऊपर उन बातों को रिलीज करते हैं, मुक्त करते हैं, तो उनका मालिकाना हक आपके पास आ जाता है। अब वो प्रभु की नहीं, आपकी हो जाती हैं और आपके द्वारा आपके बच्चों की। ये बातें अब आपकी मालिकाना हो गई हैं और उसी कारण पीढ़ियों तक आपके बच्चों पर भी मुक्त की जाएंगी। अगर प्रभु ने ऐसा होने दिया तो इस बुधवार को मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि किस तरह पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हम विजेता में जी सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक कारण के वजह से ये वचन आज आपके पास आ रहा है, और वो कारण ये है कि प्रभु आपको और गहरे पानी में ले जा रहे हैं। याद रखें कि मैंने शुरुआत में क्या कहा था, वो बेदारी, वो अंत समय की बेदारी जो राष्ट्रों में आग लगाने वाली है, परमेश्वर उस बेदारी को भूला नहीं है। एक और बार, एक और मौका है जो मसीह की दुल्हन के पास आता है कि अमेरिका पहले जैसे कभी नहीं उठ खड़ा हुआ था वैसे उठ खड़ा हो जाए। संसार भर के राष्ट्र जैसे पहले कभी उठ खड़े नहीं हुए थे, वो वैसे उठ खड़े हो जाएं। कनाडा उस रीति से खड़ा हो जैसे पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को एक अंत समय के महान बेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आप ऐसे चेले बनेंगे जो निरंतर उसके चरणों में पाए जाएंगे, निरंतर हर एक के चले जाने के बावजूद भी आप उसका पीछा करते हुए उपलब्ध पाए जाएंगे। ये समय आपका है। ये समय आपका इसलिए है कि आप एक नई रीति से यीशु मसीह से प्रेम करें। ये समय आपका है ताकि इस समय में आप एक व्यक्तिगत रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ स्थापित कर सकें। और परमेश्वर इस वचन का इस्तेमाल उस माध्यम की तरह कर रहे हैं जिसके द्वारा ये अनुग्रह आपके घर आ रहा है, केवल आपके घर नहीं, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। प्यारो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे आशीषित हैं। दुश्मन इसीलिए तो किसी एक व्यक्ति को जड़ से उखाड़ देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इस व्यक्ति को जड़ से उखाड़ दूंगा तो मैं इसके बच्चों को भी उखाड़ सकता हूँ। क्योंकि जो बातें आप पर मुक्त की जाती हैं वो आपके बच्चों के जीवन पर भी मुक्त की जाएंगी। जो बातें आपसे छीन ली जाएंगी वो बातें आपके बच्चों से भी छीन ली जाएंगी। प्रभु यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ कि आप एक आनंद का उत्साह मनाएं, क्योंकि कुछ ताज़ी चीज़ें स्वर्ग से सीधे आपके पास आ रही हैं। ताज़ी प्रकाशन, ताज़ा धन्यवाद उस कारण से हमें प्रभु को देना है, ताज़ी स्तुति हमें प्रभु को देनी है, क्योंकि एक ताज़ा अभिषेक परमेश्वर उंडेलता है। अपने आप को तैयार करें प्यारो। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप अपना हृदय हम तक उस तरह जाहिर कर रहे हो जैसे पहले कभी नहीं किया था। आप अपना प्रेम हम पर इस तरह जाहिर कर रहे हो जैसे पहले कभी नहीं किया था। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जगाया है, आपने हमारे लिए एक और मौका दिया है। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी आँखों को, हमारे कानों को खोला है और उस तरह हमें प्यार करने का अनुग्रह दिया है जैसे पहले हमने कभी आपसे नहीं किया था। हमारे प्रभु यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद करें उसका परमेश्वर के लोगों। शमाट्रोधो रनमासी एंठे थे रोमोट्रे ते खालाबो शांठा। और मैं सुनता हूँ कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कुछ बातें जो आपका ध्यान भटकाती रही हैं पिछले पूरे हफ्ते, आपको उन बातों का इनकार करना है। और इस पूरे हफ्ते आप समय निकालें और प्रभु के साथ बिताएं, और आप देखेंगे कि यही वचन आपके जीवन में एक नई रीति से जड़ पकड़ने वाला है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैं इस वचन के वजन को जानता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे मिलने की अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अगले इतवार को इसी वचन में हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। याद है ना, हम गड़बड़ी में आगे नहीं जा रहे हैं, हम प्रभु के ताल को पकड़कर आगे चलेंगे। प्रभु हमारे बहुत करीब है और आप बहुत आशीषित हो। एक क्षण लीजिए और ये वीडियो किसी के साथ बांटिए। अगले हफ्ते जब तक हम मिलेंगे तब तक प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करें।